किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट पर सचिन तेंदुलकर द्वारा किए गए जवाबी ट्वीट को लेकर कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि कई ऐसे लोग भी हैं जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सचिन के ट्वीट को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। केरल में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोच्चि में सचिन तेंदुलकर के पुतले पर काला तेल डालकर विरोध जताया है। अब इसे लेकर सियासत गरमाने लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर राज्य की सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना तथा एनसीपी नेताओं पर सवाल उठाए हैं। फडणवीस ने सचिन के कालिक पोते जाने वाली तस्वीर को रीट्वीट करते हुए लिखा, सचिन न केवल महाराष्ट्र का बल्कि पूरे देश का गौरव है। महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता, भारत रत्न और मराठा प्राइड सचिन तेंदुलकर के अपमान को बर्दाश्त करेंगे। सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेट सितारों और फिल्मी हस्तियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ, किसानों के आंदोलन के समर्थन में वैश्विक हस्तियों के उतरने के खिलाफ सरकार का समर्थन किया था। सचिन तेंदुलकर ने लिखा था, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। विदेशी ताकतें दर्शक हो सकती है लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारत को भारतीय जानते हैं और वे ही भारत के लिए फैसला लेंगे। एक देश के रूप में एकजुट होने की जरूरत है।